Hey guys, it's the Captain Blue Pirate here, और आज हम बात करने वाले हैं वाइकिंग सीजन 4 पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे टीवी शोज के रीकैप्स के लिए मेरे चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉइलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रोलो की हेल्प से पेरिस वालों ने वाइकिंग्स के बंबू लगा दिए और हार को एक्सेप्ट ना कर पाने के कारण ड्रैगनर कैटेगरी से कहीं दूर चला जाता है। एस्लॉग और उसके सन्स यहाँ रूल करते हैं और कई सालों के बाद ड्रैगनर की वापस एंट्री होती है। सबको ऑलरेडी पता चल चुका है कि इंग्लैंड में उनके लोगों का क्या हुआ, इसलिए रैगनर पर कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहता। रैगनर किंग बनने के लिए सबको चैलेंज करता है और उबा सामने आता है जो उसके साथ फाइट नहीं करता। दोनों बाप बेटे समझ लेते हैं। सब शांत होने के बाद रैगनर उन्हें इंग्लैंड आने को कहता है जिससे किंग एग्बर्ट से बदला लिया जा सके, पर वो लोग ऑलरेडी मेडिटेरियन जाने का प्लान बना चुके हैं तो वो नहीं मानते। उबा और सिगर्ड यहाँ कैटेगरी पे रूल करेंगे क्योंकि कैटेगरी अब एक ट्रेड सेंटर बन चुका है। सभी भाई बारी बारी स्लेव गर्ल मार्गरेट के साथ छई छपा छई कर रहे हैं, जो आइवर नोटिस करता है उसे जलन हो रही है। तो सभी भाई उस बंदी को लेके आइवर के रूम में आते हैं, पर वो हमारे कालीन भैया जैसा ही है। अगर मार्गरेट बाहर जाकर सबको बता देती है कि आइवर रियली में बोनलेस है तो सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए आइवर उसे मारने की ट्राई करता है पर बाद में उसे छोड़ देता है। रियली में रैगनर सन बनना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि सब लोग उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। रैगनर फ्लोकी से एक इमोशनल मुलाकात करता है और उसे गुड बाय बोल के हेड भी जाता है, जहाँ लगार था इस बंदी के साथ है। उस टाइम लेस्बियन रिलेशनशिप थे, मुझे पता नहीं था, पर जाने दो, वो उसे इंग्लैंड जाने में सपोर्ट नहीं करेगी, इसीलिए रैगनर फाइनली सुसाइड करने वाला था, पर एक कौवा रोप को काट देता और वो बच जाता है। वापस कैटेगरी रिटर्न होने पर उसे आइवर मिलता है और वो लोग इंग्लैंड जाने का प्लान बनाते हैं। देखा जाए तो सिर्फ प्लान से काम नहीं होगा क्योंकि उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए लोग चाहिए जो उन्हें हेल्प कर सके, पर रैगनर की इमेज को देखकर कोई उसके साथ जाना नहीं चाहता। बियॉन को पता चलता है कि हैराल्ड ने कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया जो बहुत ही पावरफुल है, उसने बहुत सारी जमीनें ले ली है और वो रोगालैंड तक पहुंच चुका है। पर यहाँ आने के बाद हैरल अश्योरेंस देता है कि वो रैगनर के किंगडम पर कभी भी अटैक नहीं करेगा। लगार्था की एंट्री होती है और वो लोग मिलके कुछ सैक्रिफाइस करते हैं जो वियर्ड था। लगार्था एस्लॉग को धमकी भी देती है कि वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी क्योंकि उसने रैगनर को उससे छीन लिया। ये सब जब चल रहा था तब रैगनर पुराने दफन किए खजानों को निकाल कर लोगों में बांटना शुरू करता है जिससे वो लोग उसे ज्वाइन करे। चाहने से पहले वो सिर से नहीं मिलता और सीधा जाता है एस्लॉग के पास। वो उसे बहुत नफरत करती है पर उसने कभी भी अपने बच्चों को रैगनर के बारे में बुरा भला नहीं बोला, जो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए रैगनर उसे थैंक्स बोलता है। सेम नाइट एस्लॉग को सपना आया था कि अगर आइवर अपने फादर के साथ इंग्लैंड जाएगा तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो उसे वार्न करती है पर वो नहीं मानता। बियॉन्ड विट्सक फ्लोकी हैरल्ड मेडिटेरियन एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं और रैगनर भी अपनी गैंग के साथ इंग्लैंड जाता है, पर रास्ते में उन्हें बहुत ही बड़ा तूफान मिलने के कारण उनके बंबू लग जाते हैं। ज्यादातर सोल्जर्स मारे गए और बचे हुए रैगनर को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि उसने कभी भी गॉड्स को एक्सेप्ट नहीं किया और ओडिन ने उसे कर्ज दे दिया है। प्रिंस एथेलवुल्फ रैगनर के ब्लैक रेवन को देखकर समझ जाता है कि वाइकिंग्स इंग्लैंड में आ चुके हैं, पर किंग एग्बर्ट बताते हैं कि वो बस कुछ लोग होंगे इसीलिए उन्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बियॉन अपने फ्लीट के साथ फ्रैंकिया पहुंचता और इस बार वो लोग फाइट नहीं करने वाले। वो अपने अंकल रोलो के पास सेफ पैसेज की डिमांड करता है पर रोलो उन्हें अरेस्ट कर लेता है जिससे हैरल्ड और हाफडन बियॉन को गालियां देना शुरू करते हैं। रोलो उन्हें एक ही शर्त पर जाने देगा कि उसे भी साथ ले जाया जाए क्योंकि उसने लंबे टाइम से रेड्स नहीं की है। अगर रिटर्न होने के टाइम वो मारा गया होगा तो वाइकिंग्स घर नहीं जा पाएंगे, पर ये लोग आफ्टर ऑल फ्रेंड्स हैं इसीलिए ये ज्यादा नौटंकी नहीं होती। लगातार उबा और सिगरेट को अरेस्ट करके कैरेगेट पे स्ट्राइक करने का प्लान बनाती है। अब देखा जाए तो डिफेंस को कमांड देने के लिए कोई नहीं होता, इसीलिए वो लोग एडवांटेज में चल रहे हैं। रैगनर और आइवर अपनी गैंग के सभी लोगों को नींद में ही मार देते हैं, जिसके बाद रैगनर आइवर को लेकर रॉयल विला जाता है। यहाँ आने पर मुझे तो सस्पेंस लगा था, पर नहीं, ये लोग सिर्फ सरेंडर करते हैं।
लगा था कि फोर्सेस कैटेगट पहुंचती है और एक अमेजिंग फाइट शुरू होती है। थोड़ी टाइम में कैटेगट के लोग हथियार डाल देते हैं क्योंकि वो लगारथा के सामने वैसे भी जीतने नहीं वाले थे। एसलॉक को भी सेम बात पता थी, इसीलिए वो मरने से अच्छा पावर छोड़ के भाग जाओ में बिलीव करती है। तो वो क्लियर एक डिमांड रखती है कि अगर उसे छोड़ दिया जाएगा तो कोई भी रैग्नरसन रिवेंज नहीं लेगा, पर लगारथा नहीं मानती, उसे मार देती है। बैटल निपटने के बाद उबा और सिगरेट लगारथा को ग्रेट हॉल में मिलते हैं और उबा उसे चैलेंज करता है, पर लगारथा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि उबा के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ वेसिक्स में एग्बर्ट ड्रैगनर को प्रॉमिस करता है कि उसके सन आइवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ वो उसकी मुलाकात उसके दूसरे सन मैग्नस से करवाता है जो क्विंथ्रथ का सन है। ड्रैगनर बताता है कि उनके बीच सेक्स हुआ ही नहीं था, मतलब ये उनका बच्चा नहीं है, और अगर ये रैगनर का बच्चा नहीं है इसका मतलब इसका कोई काम भी नहीं है, तो उसे किंगडम से निकाल दिया जाता है। किंग एग्बर्ट और रैगनर दोनों एक जैसे थे, इसीलिए वो उसे केज में नहीं रखते और दोनों दोस्त की तरह बातचीत करना शुरू करते हैं। पूरी रात शराब में डूबकर वो लोग एथलस्टन की बातें करते हैं। रैगनर एग्बर्ट को बोलता है कि उसे मार दे, पर एग्बर्ट नहीं मानता और वो लोग एक न्यू प्लान बनाते हैं जिसमें एग्बर्ट रैगनर को एला के पास भेज देगा। यहाँ वो लोग उसे मार देंगे और रैगनर के सन्स नॉर्थम्ब्रिया से बदला लेंगे, जो एग्बर्ट के लिए अच्छा है। किंग एग्बर्ट एक शिप अरेंज करते हैं जिससे आइवर घर जा सके। जाने से पहले वो रैगनर से बात करता है और रैगनर उसे बताता है कि जब वो लोग उसकी मौत का बदला लेने आए तब एग्बर्ट के भी बम्बू लगा दे। इस मैसेज के साथ आइवर कैटेगट के लिए रिटर्न होता है जबकि रैगनर को नॉर्थम्ब्रिया ले जाया जाता है। जाने से पहले रैगनर आर्फ्रेड को उसके फादर का क्रॉस पास करता और एग्बर्ट को बताता है कि एथलस्टन ने आखिर में क्रिश्चियनिटी को ही चूज किया था। रैगनर को ये अंधा बंदा ले जाता है जो सीर की भविष्यवाणी थी। यहाँ पहुंच कर एला के लोग उसे टॉर्चर करते हैं, पर फिर भी वो एक ट्रू वाइकिंग की तरह डेथ को फेस करता है और उसे स्नेक पिट में डाल दिया जाता है। यहाँ किंग एग्बर्ट भी डिस्गाइज में उसे देखने आते हैं। अब कई लोगों का मानना है कि सीर की भविष्यवाणी के हिसाब से वही ब्लाइंड मैन है क्योंकि उसने कभी भी रैगनर को एज अ दोस्त की नजर से नहीं देखा, तो वो एक तरीके से ब्लाइंड थे, पर हम थियरीज के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब जब आइवर कैटेगट पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि लगारथा ने उसकी मॉम को मार दिया। वो बहुत ही गुस्सा है और ये कसम खाता है कि वही लगारथा की डेथ का रीजन बनेगा। एक आंख वाला बंदा अचानक अपीयर होता है जिसने ब्लैक क्लोक पहना है। आइवर की न्यूज रिवेल होने के बाद वही रिवेल करता है कि रैगनर को किस तरीके से मारा गया। लगारथा और एथेलवुल्फ दोनों जानते हैं कि आज नहीं तो कल रैगनरसन कुछ ना कुछ करेंगे, इसीलिए वो लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। लगारथा कैटेगट के आसपास एक फोर्ट्रेस रेडी करवाती है जिससे वो लोग सेफ रहे। बियोन और रोलो स्पेन पहुंचकर रेड्स करना शुरू करते हैं। फ्लोकी फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स के कांटेक्ट में आता है और उसने पहले बहुत क्रिश्चियंस को मारा था, लेकिन इस बार वो सुधर गया लगता है, तो वो रिलीजन किलिंग करना नहीं चाहता। फिर भी ये लोग बहुत ही बड़े वाले इनके बम्बू लगा देते हैं। हेल्गा भी गैंग के साथ है और वो इस बच्ची को किडनैप कर लेती है जो अच्छा नहीं था, पर हेल्गा को एक बेबी चाहिए तो वो इस बच्ची को अडॉप्ट करेगी जिसका नाम टारा रूस है। लगारथा सीर के पास जाती है और उसे अपनी डेथ के बारे में पूछती है। सीर बताता है कि उसकी डेथ रैगनरसन के हाथ से ही होगी, इसलिए वो थोड़ी डरी हुई है। सेम टाइम में आइवर एक स्पेशल स्वॉर्ड रेडी करवाता है जिससे वो लगारथा को मारेगा। उबा सिगर्ड और आइवर द ग्रेट आर्मी बना के अपने की डेथ का बदला लेने का प्लान बनाते हैं। बियॉन रिटर्न होने के टाइम रोलो को वापस नॉर्मली छोड़ता है जहां वो वाइकिंग्स को रहने के लिए लैंड प्रोवाइड करेगा, पर वाइकिंग्स नहीं मानते। यहां पहुंचने के बाद हाफडेन किंग हैरल्ड को मिलवाता है एगिल द बास्टर्ड से। जूडिथ अपनी फैमिली से मिलने नॉर्थम्ब्रिया जाती है और वेसिक्स के साथ अलायंस फॉर्ज करने को बोलती है, पर एला नहीं मानते। उबा अपनी स्लेव मार्गरेट को फ्री करके उसके साथ मैरिज करने का प्लान बनाता है, जबकि एग्बर्ट यहां अपने ग्रैंडसन आल्फ्रेड को फ्यूचर किंग बनाने के लिए ट्रेन करता है। और आइवर और उबा लगारथा को मारने वाले थे, पर बियॉन उन्हें रोक लेता है और बताता है कि लगारथा को मारने के लिए उन्हें सबसे पहले उसे मारना होगा। फ्लोकी आइवर को एक वॉर चैरियट बना के देता है जिससे वो आर्मी को लीड कर सके। देखा जाए तो हमेशा से फ्लोकी को आइवर सबसे ज्यादा पसंद आया है क्योंकि वो दोनों सेम आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। ग्रेट आर्मी के रियूनाइट होने के तुरंत बाद बियॉन और आइवर लीडरशिप के मामले में झगड़ते हैं, पर एंड में बियॉन इस आर्मी का जनरल बनता है क्योंकि वो रैगनर का बड़ा बेटा है। किंग हैरल्ड को एलिसिफ नाम की बंदी मिल जाती है जिससे वो प्यार करता था। उसने कहा था कि वो एक बहुत ही बड़े किंग से शादी करेगी। इसी चक्कर में हैरल्ड ने नॉर्वे को कॉन्कर करना शुरू किया था,
पर यहाँ उसने एक डैनिश अर्ल से शादी कर ली है जो उसके स्टेटस से एकदम लो था। ये एकदम ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली फीलिंग क्रिएट करना चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ, तो वो सैड है। उबा और मार्गरेट मैरिज कर लेते हैं पर उबा उसे विट्सक के साथ शेयर करेगा जो वियर्ड था। हेल्गा इस आर्मी को ज्वाइन करना चाहती है और वो अपने अडॉप्टेड डॉटर टैनरूस को भी साथ ले जाएगी जिससे फ्लोकी हैप्पी नहीं है। किंग हैरल्ड एगिल द बास्टर्ड को ऑर्डर देता है कि उनके जाने के बाद कैटगट पे स्ट्राइक कर दे जिससे उनका नॉर्वे कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट हो जाए। ऑफडन सजेस्ट करता है कि उसे ठुकरा के मेरा प्यार वाली बंदी को मार देना चाहिए पर वो उसका पहला प्यार था इसलिए वो कुछ नहीं करता। बियॉन और एस्ट्रिड अपना अफेयर शुरू करते हैं क्योंकि बियॉन की टोवी के साथ जम नहीं रही थी। एथल वुल्फ फाइनली अपने फादर को पकड़ के अफेयर वाली इन्फो रिवेल करता है और उसके फादर ज्यादा आंसर नहीं देते पर उसे आर्मी को रेडी करने को बोलते हैं जिससे नॉर्स फाइटर्स को डिफीट किया जा सके। वाइकिंग्स नॉर्थम्ब्रिया पहुंच जाते हैं और उनकी आर्मी को द ग्रेट हीथन आर्मी बोला जाता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल फोर्स है। अलाउन से लड़ नहीं पाता क्योंकि पूरा नॉर्वे रैगनर की डेथ का बदला लेने आया था और फाइनली वो लोग उसे डाउन करके ब्लड ईगल से उसे मार देते हैं। एगिल अपने वॉरियर्स के साथ स्ट्राइक करता है जो ऑसम था क्योंकि कैटगट में अब फोर्ट्रेस की तरह दीवारें बन चुकी है। लगातार अपनी फोर्सेस के साथ उसे फेस करने जाती है और इन लोगों को हराना इतना भी आसान नहीं था पर एट द एंड लगार्था एंड गैंग जीत जाती है। यहाँ फाइट में टोरवी और गुथरम इंजर्ड हो गए लेकिन बाकी सब ठीक है। ग्रेट हॉल में ही लगार्था एगिल को टॉर्चर करना शुरू करती है और वो बता देता है कि हैरल्ड ने उसे भेजा था। मर्सिया तक हीथन आर्मी के पहुंचने पर सारे विलेजर्स गांव छोड़कर भागने की ट्राई करते हैं और हैरल्ड ट्राई करता है कि वो ठुकरा के मेरा प्यार वाली बंदी को माफ कर दे पर वो नहीं कर पाता है इसीलिए वो उसके हस्बैंड को मार देता है। बंदी इससे भड़क जाती है और हैरल्ड को सेड्यूस करके उसे मारने की ट्राई करती है जो इजी था पर हाफडन यही होता है और वो उसे मार देता है। यहाँ हेल्गा की अडॉप्टेड डॉटर उसे दूर भाग जाती है पर फ्लोकी उसे ढूंढ लेता है। प्रिंस एथलवुल्फ अपनी आर्मी के साथ वेसेक्स की ओर बढ़ते हैं जिससे वाइकिंग्स को एक पॉइंट पे रोका जा सके। यहाँ फाइट स्ट्रेटजीज आइवर संभालता है और आर्मी को चार पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट के साथ वो नॉर्थ में जाएगा, दूसरा पार्ट सीधा जंगलों में छुपेगा और बाकी के लोग बैटलफील्ड पे रुकेंगे। एथलवुल्फ की आर्मी के आते ही वो सीधा जंगलों के रास्ते भाग जाते हैं और मेन आर्मी के पीछे छुप जाते हैं। एथलवुल्फ उनके इशारों पे थोड़े टाइम के लिए आसपास भटकता है पर बाद में तंग आकर वो सीधा अपनी फोर्सेस के साथ शिप्स की ओर जाता है। देखा जाए तो वाइकिंग्स के शिप्स को एक बार जला दिया गया तो वाइकिंग्स वापस नहीं जा पाएंगे और वो इस आइलैंड पे फंस जाएंगे, ऐसा सोचकर एथलवुल्फ वहां गया था पर यही आइवर का प्लान था। रास्ते में उन्हें दोनों साइड से आर्चर्स मिलते हैं और उनके बड़े वाले बंबू लग जाते हैं। एथलवुल्फ स्टार्टिंग में उन्हें मैनेज करने की ट्राई करता है पर वो लोग थोड़े ही टाइम में आउटनंबर्ड हो जाते हैं और बहुत सारे वेसेक्स और मर्सियन सोल्जर्स मारे गए इसीलिए फाइनली एथलवुल्फ को रिट्रीट करना पड़ा। वो लोग सीधा वेसेक्स के कैपिटल जाते हैं और इवैक्यूएशन करना शुरू करते हैं। एगबर्ट अपने घर को छोड़ नहीं पाएगा इसीलिए वो यहीं रहता है और जाने से पहले एथलवुल्फ को किंग बनाता है जिससे वेसेक्स सलाम मत रहे। बिशप एडमंड भी जाने के लिए राजी नहीं होते और एगबर्ट को ज्वाइन करते हैं। ये एक पावन जगह है तो मैं कैसे जा सकता हूँ अपने गिरजा घर को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर? और वैसे भी हमारे तहखाने कई राज्यों की बेहतरीन अंगूरी मदिरा से भरे हुए हैं, मैं उन्हें उन काफिरों के हाथ लगने नहीं दूंगा। थोड़े टाइम के बाद वाइकिंग्स की कैपिटल में एंट्री हो जाती है और वो पूरा खाली है क्योंकि सब लोग चले गए। विट्सक बिशप को मार देता है जबकि एगबर्ट को जिंदा रखा जाता है जिससे कुछ डील हो सके। सारे कियोस के बीच में तानारूस हेल्गा को मारकर सुसाइड कर लेती है। अब देखा जाए तो आप किसी को किडनैप करके अपनी डॉटर नहीं बना सकते, मतलब ये तो होना ही था। लोकी इस गम में टूट जाता है और हेल्गा को फाइनली गुड बाय बोलता है। आइवर एगबर्ट के साथ भी ब्लड ईगल करना चाहता है पर बियॉन नहीं मानता क्योंकि उसे अपने फादर का ड्रीम पूरा करना है। वो एगबर्ट को ऑफर देता है कि उसका ब्लड ईगल नहीं करेंगे, बदले में उन्हें ईस्ट एंग्लिया चाहिए जो इंग्लैंड का ईस्टर्न पार्ट है और वेसेक्स ने लंबे टाइम से उसे अपने अंडर रखा है। एगबर्ट इस डील को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में अपने रोमन बाथ टब में अपनी नस काट कर सुसाइड कर लेते हैं जिससे एक पेनलेस डेथ। बियॉन सबके सामने रिवाइल करता है कि वो मेडिटेरियन में वापस रेड करने जाएगा तो जो लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ रहकर खेती करने का डिसीजन लेते हैं जिन्हें उबा लीड करेगा
और तभी आइवर एक और ऑप्शन देता है कि उन्हें इन्वेजन करना शुरू करना चाहिए जिससे इंग्लैंड पे भी उनका कब्जा हो। इस आइडिया को रियली बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं जो सिगरेट को पसंद नहीं आता और वो आइवर को गालियां देना शुरू करता है। देखा जाए तो बचपन से ही सिगरेट ने कभी उसे पसंद नहीं किया। तो फाइनली आइवर अपना गुस्सा रिलीज करता और एक एक्स सीधा उसके छाती पे थ्रो करता है जिससे सिगरेट जिस स्नेक आई की डेथ होती है। वैसे इसे कोई पसंद नहीं करता था तो इसकी डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एपिसोड के एंड में बिशप हेडमन की एंट्री होती है जो सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और बाद में उन्हीं शहीदों की विधवा के साथ सेक्स करते हैं। इसी के साथ वाइकिंग सीजन 4 पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। मेरे पास अभी बहुत सारे सजेशंस हैं, रियली में बहुत सारे सजेशंस हैं, तो मैं उन पर काम करना धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ। अब बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।